हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं ध्वनि अध्याय के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को। ये टॉपिक्स जो हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं, और जब आप इनका अध्ययन करें तो आप इनको अपने दैनिक जीवन से अवश्य जोड़िएगा। आप पाएंगे कि वास्तव में जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वह दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। चलिए हम चलते हैं आज के सबसे पहले टॉपिक पर, और आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है अनुरणन। देखिए, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है रिवर्वेशन, R E V E R B R A T I O N, रिवर्वेशन। देखिए, अनुरणन रिवर्वेशन क्या होता है? आप लोगों ने कई बार देखा होगा माइक पर अनाउंस करते हैं तो हमें वहां पर सेम वैसी की वैसी ध्वनि दोबारा सुनाई पड़ती है। जैसे किसी ने माइक में बोला हेलो, तो हमें थोड़ी देर बाद फिर हेलो, फिर हेलो, फिर हेलो, फिर हेलो, फिर हेलो, धीरे 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 जो मुख्य ध्वनि है वो क्षीण होती चली जाती है, कमजोर होती चली जाती है। जब तक वो कमजोर होती चली जाती है, हमें बार बार ध्वनि फिर से सुनाई पड़ती चली जाती है। ऐसा ही हमारे साथ जब हम किसी बड़े हॉल के अंदर, कोई बड़ा हॉल है और उसमें यदि हम बोले तो क्या होगा, जो हमारी ध्वनि है वह क्या होगी, बार बार टकरा करके वापस आएगी। अर्थात मुख्य ध्वनि जाएगी, दीवार से टकराएगी, टकरा करके फिर वापस आएगी, और फिर से जाएगी, फिर से टकराएगी, फिर से वापस आएगी। यह लगातार ध्वनि का परावर्तन जो होगा वह मुख्य ध्वनि को बार 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 सुनाने में सहायता करेगा, जिससे हमें एक ही वाक्य या एक ही शब्द बार बार सुनाई पड़ता रहेगा। इस प्रकार से जो प्रतिध्वनि है, अर्थात जो ध्वनि टकरा के आ रही है, वही बार 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 अर्थात बारंबार सुनाई देना क्या कहलाता है, अनुरणन कहलाता है। देखिए, यहां पर इसको समझने के लिए मैं एक हॉल लेता हूं। ये हमारे पास कोई हॉल है बड़ा, और इसमें यहां पर एक वक्ता जो है वह क्या कर रहा है, माइक लेकर के बोल रहा है। तो क्या होगा, जब यह वक्ता यहां से अपनी ध्वनि उत्पन्न करेगा तो इसकी ध्वनि क्या करेगी, जाएगी सामने वाली दीवार से टकराएगी, और टकराने के बाद में फिर वापिस आ जाएगी, हमें सुनाई पड़ेगी। जो ये ध्वनि टकरा करके इससे वापिस आई है, ये वाली ध्वनि परावर्तित ध्वनि कहलाती है। इसी को हम प्रतिध्वनि भी कहते हैं। जो हमें मुख्य ध्वनि है उसके बाद जो हमें दूसरी ध्वनि सुनाई पड़ती है वह प्रतिध्वनि होती है, जो किसी तल से टकरा करके वापिस आती है। अब ये जो प्रतिध्वनि है ये यहां पर खत्म नहीं होगी, क्या होगा, ये जाएगी यहां इस दीवार से टकराएगी, फिर से वापिस आएगी, फिर से हमें सुनाई पड़ेगी, फिर से ये मान लीजिए ध्वनि यहां से गई, यहां पर टकरा गई, यहां से टकराकर फिर वापिस आएगी, फिर से सुनाई पड़ेगी, और ये ध्वनि बार 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 इसी कमरे के अंदर अर्थात इसी हॉल के अंदर जाती रहेगी और दीवारों से टकराती रहेगी, टकरा करके वापिस आती रहेगी, और जब तक यह वापिस आती रहेगी तब तक मुख्य शब्द हमने क्या बोला था, वह क्षीण हो जाएगा, अर्थात वह सुनाई देना कम होता चला जाएगा, जिससे आगे आने वाले वाक्यों को समझना मुश्किल होगा, और वहां पे हमें ध्वनि निर्भर अर्थात ध्वनि को समझने में बहुत समस्या आएगी। अर्थात यहां पर क्या वाक्य बोला जा रहा है, जैसे मैं यहां पर एक वाक्य का इस्तेमाल करूं, हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं,
तो जब मैं यहां पे बोलूंगा हेलो स्टूडेंट्स, तो ये जाएगा यहां पे टकराएगा हेलो स्टूडेंट्स, फिर से वापस आएगा, फिर से जाएगा, फिर से टकराएगा हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, वो आवाज उसमें लगातार गूंजती रहेगी, अर्थात परावर्तित होकर के बारंबार आती रहेगी। अब जब मैं उससे अगला वाक्य बोलूंगा आप सब कैसे हैं, तो अभी जो मैं अगला वाक्य बोलने वाला हूं वह सामने बैठी ऑडियंस को सुनाई नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या बोला है, क्योंकि हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स वही रिपीट होता चला जा रहा है। तो मुख्य धमनी यहां पर क्या हो जाएगी, निर्बाध हो जाएगी, अर्थात उसमें रुकावट आ जाएगी। और हम क्या बोल रहे हैं, एक वाक्य हमारा बार 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 रिपीट होकर के आता रहेगा, इस घटना को हम बोलते हैं अनुरणन, अर्थात रिवर्बरेशन बोला जाएगा किसी ध्वनि का, किसी ध्वनि का लगातार बारंबार टकरा करके वापस आना, और तब तक वापस आते रहना जब तक वह क्षीण न हो जाए, इस घटना को हम अनुरणन कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है अनुरणन। मुख्य ध्वनि का कमरे की दीवारों से टकराकर बारंबार वापिस आना और लंबे समय तक कमरे में बने रहना, इस घटना को अनुरणन कहते हैं, अनुरणन कहते हैं। देखिए आपसे पूछा जाए अनुरणन किसे कहते हैं, आप बताएंगे मुख्य ध्वनि का कमरे की दीवारों से बार बार टकरा करके वापस आना और लंबे समय तक वहां बने रहना, इस घटना को हम कहते हैं अनुरणन, रिवर्बरेशन। देखिए यहां पर दिखाया हुआ है, एक वक्ता बोल रहा है, उसकी ध्वनि गई, टकरा के दीवार से आई, फिर पीछे वाली दीवार से टकरा गई, फिर नीचे टकरा गई, फिर ऊपर चली गई, इस प्रकार से ये ध्वनि जो है यहां पर बार बार ऊपर नीचे फर्श से, छत से और चारों तरफ इस कमरे के अंदर लगातार टकराती रहेगी, और जो मुख्य ध्वनि थी वह धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। तो हम जब अगला वाक्य बोलेंगे तो वह हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो पीछे की ध्वनि पैदा की हुई थी वही बार बार रिपीट होकर के आ रही है। इस प्रकार से ध्वनि को समझने में हमें बड़ी कठिनाई होगी कि वक्ता क्या बोल रहा है, क्योंकि एक सेंटेंस लगातार बार बार रिपीट होकर के आता रहेगा। इस घटना को जो मुख्य ध्वनि है किसी कमरे में बार बार टकरा करके वहीं लंबे समय तक बनी रहे और मुख्य ध्वनि को समझने में हमें परेशानी पैदा करे, उस घटना को हम कहते हैं अनुरणन, अर्थात रिवर्बरेशन। अब यह रिवर्बरेशन अक्सर कई जगह देखने को मिल सकता है, जैसे हम सिनेमा घर में जाए तो उसकी दीवारें भी बहुत दूर दूर होती है, और जब उसकी दीवारें दूर दूर होती है तो वहां भी रिवर्बरेशन हो सकता है, तो वहां पर सिनेमा का आनंद नहीं लिया जा सकेगा। फिर इसी प्रकार से जो हमारे घर में बड़े बड़े कमरे होते हैं वहां पर भी रिवर्बरेशन हो सकता है, या जो बड़े ऑडिटोरियम है, हॉल है, जहां बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित की जाती है, वहां पर भी रिवर्बरेशन हो सकता है, अर्थात अनुरणन हो सकता है। तो इस अनुरणन की वजह से क्या होगा कि जो मुख्य ध्वनि है उसको समझने में हमें समस्या आएगी, क्योंकि वही ध्वनि बार बार रिपीट होकर के आ रही है। तो अब इस समस्या से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अर्थात अनुरणन अगर हो रहा है, रिवर्बरेशन अगर हो रहा है, तो हम उस रिवर्बरेशन को कम कैसे कर सकते हैं। देखिए इसके कुछ तरीके हैं, अगर हम थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो हम रिवर्बरेशन को कम कर सकते हैं। रिवर्बरेशन को, अनुरणन को कम करने के कौन कौन से तरीके हैं, देखिए रिवर्बरेशन को कम करने के तरीके, अर्थात अनुरणन कम करने के तरीके, किस प्रकार से हम अनुरणन को कम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं रिवर्बरेशन को कम करने के लिए, अनुरणन को कम करने के लिए। बिल्कुल आसान सा है, हमें पता है यहां पर हमें कोई ध्वनि बार बार सुनाई पड़ रही है, तो वह किस वजह से सुनाई पड़ रही है कि वह परावर्तित होकर के बार बार आ रही है। तो हमें क्या करना है, हमें इस ध्वनि के परावर्तन को रोकना है। यदि हम इस ध्वनि के परावर्तन को रोक दें कि ध्वनि जाए तो दीवार तक, पर दीवार से टकरा करके वापिस ना आए,
तो जब वापस नहीं आएगी तो हमें दोबारा से सुनाई भी नहीं पड़ेगी, सुनाई नहीं पड़ेगी तो लंबे समय तक चाहे कितनी देर हम वहां पर बैठे रहे हमें किसी प्रकार का कोई अनुरणन नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि इसको परावर्तित होने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए जो दीवारें हैं, ये जो देखिए आप दीवारें हैं, इस पे चारों तरफ छत से भी ध्वनि परावर्तन हो रहा है, फर्श से भी ध्वनि परावर्तन हो रहा है, और जो दीवार है उससे भी ध्वनि परावर्तन हो रहा है। तो हमें इनको कवर करना है, हमें इनको ऐसे पदार्थ से कवर करना है जो ध्वनि को अवशोषित कर ले, ध्वनि को टकरा करके वापिस ना जाने दे। और ऐसे कौन से पदार्थ हो सकते हैं, ऐसे पदार्थ हो सकते हैं देखिए, फाइबर बोर्ड, फाइबर बोर्ड लगा दें हम। कहां पर लगा दें फाइबर बोर्ड? इन दीवारों के ऊपर। यहां पर फाइबर बोर्ड क्या करेगा, ध्वनि जाएगी उसे टकराएगी, टकराते फाइबर बोर्ड उसको अवशोषित कर लेगा। या फिर हम बड़े बड़े पर्दे लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, कपड़े के पर्दे। कपड़ा क्या होता है, कपड़ा ध्वनि को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है साउंड को, टकरा करके वापस नहीं जाने देगा। तो कपड़े के पर्दे भी हम उन दीवारों के ऊपर लगा सकते हैं। इसके अलावा थर्मोकोल की सीट भी लगाई जा सकती है। देखिए क्या कर सकते हैं, थर्मोकोल की सीट, थर्मोकोल की सीट जो होती है, आपने अच्छे से देखी होंगी थर्मोकोल की सीट, थर्मोकोल की सीट भी आप वहां पर दीवारों पर लगा सकते हैं डिजाइन बना करके। थर्मोकोल भी जो ध्वनि है उसका अच्छा एब्जॉर्बर है, अच्छे से उसको अवशोषित करता है। या कॉटन अर्थात कपास की बनी हुई चीजें, जैसे हमने यहां पर पढ़ा कि कपड़े के पर्दे, अगर कपास के कपड़े के पर्दे हैं वो, तो ध्वनि को और भी अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे अर्थात अवशोषित करेंगे। कई बार आपने देखा भी होगा बहुत से लोग कान के अंदर रुई डाल के रखते हैं, कपास की रुई डाल के रखते हैं। वह किस लिए रखते हैं, इसीलिए उनको तेज ध्वनि कान के अंदर ना जाए, क्योंकि जो ध्वनि तीव्रता से और तेजी वाली ध्वनि जो आ रही है वह जो कॉटन है अर्थात कपास है, रुई है, वह उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको अंदर ज्यादा नहीं जाने देती। तो जो कपड़े है, कपास है, रुई है, वह ध्वनि का बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है अर्थात अवशोषक है। तो ये अगर हम दीवारों पे टांग दे, लगा दे, तो अनुरणन कम हो जाएगा। यहां पर देखिए मैंने ये एक थर्मोकोल की सीट लगा दी है, ये जो है मैंने यहां पर थर्मोकोल की सीट लगा दी है। अब क्या होगा कि यहां से जो ध्वनि है, ये देखिए यहां से जो ध्वनि है ये जाएगी, जाके टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, ये जो थर्मोकोल की सीट यहाँ पे लगा दी है दीवार पे, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, अवशोषित कर लेगी, और जब ये अवशोषित हो जाएगी तो ये वापस नहीं आएगी, वापस नहीं आएगी तो अनुरणन भी नहीं होगा। एक और तरीका हम यहां पर कर सकते हैं, वह देखिए क्या रहेगा, हम कमरे को या हॉल को खाली ना छोड़े, क्योंकि जब खाली होगा कमरा या हॉल तो उसके अंदर जो परावर्तन है ध्वनि का वो बार बार होगा। हम उस कमरे के अंदर क्या करें, जो दरवाजे हैं उनके ऊपर पर्दे लगा दें, जो खिड़कियां हैं उन पे पर्दे लगा दें, और कमरे के अंदर फर्नीचर हम लगा दें, जैसे सोफा सेट डाल दें या हम कपड़े के गद्दे की बनी हुई कुर्सियां डाल दें, जिससे क्या होगा ये सारे के सारे जो ध्वनि जाएगी। जैसे यहां पर मैंने क्या किया, कुर्सियां डाल दी हैं, ये देखिए मैंने कुर्सी डाल दी है यहां पर, इसी प्रकार की जो कुर्सियां हैं यहां पर हम लगा देंगे, तो वो कुर्सियां क्या है उस पर गद्दी लगी हुई है, तो जो ध्वनि जाएगी वो वहां पर अवशोषित हो जाएगी। या सोफा सेट डाल सकते हैं, सोफा सेट डाल देंगे वो भी क्या करेगा, उस ध्वनि को एब्जॉर्ब कर लेगा। या फिर हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनके ऊपर हम कपड़े के पर्दे लगा दें, तो भी क्या होगा, ध्वनि का अनुरणन नहीं होगा। तो आपसे ये पूछा जाए कि अनुरणन को कम कैसे किया जा सकता है, तो आप एक तो बताएंगे फाइबर बोर्ड, कपड़े के पर्दे और थर्मोकोल की सीट यदि हम दीवारों पे लगा दें तो अनुरणन को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। दूसरा मैंने बताया दरवाजों पर कपड़े के पर्दे लगा दें, दरवाजों पर कपड़े के पर्दे, कपड़े के पर्दे लगा दें दरवाजों पर, या खिड़कियों पर भी हम कपड़े के पर्दे लगा सकते हैं, सोफा सेट हम उसमें डाल दें,
सोफा सेट डाल दें या गद्दे वाली कुर्सियां डाल दें। इसके अलावा एक और बता सकते हैं, जो फर्श होगा, ये जो फर्श है, इस फर्श से भी क्या होगा, ध्वनि प्रवर्तन हो सकता है। उसको भी अगर हम क्या करें, यहां पर कारपेट बिछा दें, दरी वगैरह बिछा दें, कुछ उसमें फर्श पर दरी या कारपेट मैट कुछ भी बिछा दें, तो वह भी क्या होते हैं, वह भी ध्वनि के अच्छे अवशोषक होते हैं। तो जो ध्वनि यहां से फर्श पर जाएगी, वो कारपेट क्या करेगा, वहां पर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको वापस नहीं आने देगा, तो वहां पर जो अनुरणन है वह नहीं होगा। इस प्रकार से हम एक और बता सकते हैं, फर्श पर दरी या मैट बिछाकर, ये कुछ तरीके हैं अनुरणन को कम करने के। अभी हमने देखा कि अनुरणन क्या होता है और अनुरणन को कैसे कम किया जा सकता है। आइए अब हम चलते हैं आज के अपने दूसरे टॉपिक, और हमारा दूसरा टॉपिक है ध्वनि परावर्तन के उपयोग। तो आइए चलते हैं आज के दूसरे टॉपिक, ध्वनि परावर्तन क्या होता है और ध्वनि परावर्तन के उपयोग क्या हैं। देखिए, जब हम ध्वनि पैदा करते हैं और वह ध्वनि वहां से चलकर किसी दूसरे स्थान पर जाती है, और उस स्थान पर यदि कोई रुकावट आ जाती है, तो उस रुकावट से वह ध्वनि, जैसे यहां पर ये देखिए एक वक्ता है, और वक्ता ने यहां पर ध्वनि को पैदा किया, वो ध्वनि गई जाएगी और दीवार से टकरा गई। जब यह दीवार से टकरा जाती है तो आगे उसको क्रॉस करके जा नहीं पाएगी, तो क्या होगा, यहां से वह ध्वनि वापिस आएगी टकरा करके। जो ध्वनि टकरा करके वापिस आ रही है वह कहलाती है परावर्तित ध्वनि। कौन सी ध्वनि होगी, वो परावर्तित ध्वनि होगी। और जो ध्वनि किसी वक्ता ने पैदा की है और जो जाके किसी तल से टकरा रही है, उस ध्वनि को बोलेंगे आपतित ध्वनि। तो आपको समझ आ गया होगा कि आपतित ध्वनि कौन सी, जो वक्ता पैदा कर रहा है और जाके किसी दीवार से या किसी तल से टकरा रही है, वह आपतित ध्वनि होगी। जबकि परावर्तित ध्वनि कौन सी होगी, जो उस तल से टकरा करके वापिस लौट आए, उसको हम बोलते हैं परावर्तित ध्वनि। इस घटना को हम बोलेंगे ध्वनि का परावर्तन, अर्थात ध्वनि का किसी तल से टकरा करके वापिस आना क्या कहलाएगा, ध्वनि का परावर्तन कहलाएगा। आइए इस ध्वनि परावर्तन के यहां पर हम कुछ उपयोग देखते हैं। ऐसा ही एक यंत्र है मेगाफोन। देखिए मेगाफोन, मेगाफोन जो होता है उसमें ध्वनि परावर्तन का उपयोग किया जाता है। कैसे करते हैं, आप लोगों ने देखा है कई बार जब चुनाव होते हैं या कुछ बेचने वाले आते हैं या कोई चेतावनी देने वाले आते हैं, तो उनके पास यही मेगाफोन होता है, आप लोगों ने देखा होगा। देखिए मैं यहां पर उसको बना के दिखाता हूं, ये देखिए ये एक मेगाफोन है, ये देखिए मेगाफोन। यहां पर एक जो इसका सिरा है वह नैरो होगा, अर्थात छोटा होगा, संकीर्ण होगा, जबकि यहां पर जो इसका दूसरा सिरा है वह बड़ा होगा, चौड़ा होगा। और इसका उपयोग कहां करेंगे, इसका उपयोग ध्वनि को उच्च करने के लिए, अर्थात ध्वनि को तेज करने के लिए, ध्वनि को दूर तक पहुंचाने के लिए करेंगे। ये देखिए एक वक्ता है, वह यहां से इस मेगाफोन का उपयोग करके बोलता है। अगर ये इस मेगाफोन का उपयोग ना करे और ये सामान्य रूप से यहां पर बोले, तो इसकी जो ध्वनि है हो सकता है कि थोड़ी दूर तक चली जाए। लेकिन अगर वह इस मेगाफोन का उपयोग करके मुंह से इस प्रकार से लगा करके बोलता है, ये वाला जो नैरो सिरा है, जो संकीर्ण छोटा सिरा है, उसको अपने मुंह के पास ला करके और बड़ा जो चौड़ा हिस्सा है उसको पब्लिक की तरफ करके अगर वह बोलता है, तो क्या होगा, इसमें ध्वनि का परावर्तन होगा और यह ध्वनि परावर्तित होकर के लंबी दूरी तक चली जाएगी। देखिए कैसे, जब वह यहां से ध्वनि पैदा करेगा तो इस छोटे वाले छेद से, इस छोटे वाले सिरे से वह ध्वनि जो है सीधे चली जाएगी। जो ध्वनि सीधे चली गई है वह तो सीधे जाएगी ही, लेकिन
जो ध्वनि इधर उधर फैल रही थी वह भी क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। देखिए ये गई यहां पर इस तरह से टकराई, टकरा करके यहां पर यह सीधी हो गई है। इसी प्रकार से जो ध्वनि यहां गई है वह भी टकरा करके सीधी हो जाएगी। जो ध्वनि इधर गई है इस तल से टकराई है वह भी सीधी हो जाएगी। इस तल से जाके टकराई है वह भी सीधी हो जाएगी। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो ध्वनि का परावर्तन है, ये देखिए यहां पर ध्वनि का परावर्तन लगातार हो रहा है। आपसे पूछा जाए कि मेगाफोन क्या है, तो आप बताएंगे वह यंत्र जो ध्वनि को उच्च करने के लिए, ध्वनि को ज्यादा दूर तक भेजने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उस यंत्र को मेगाफोन कहते हैं। मेगाफोन का एक सिरा बड़ा होता है और एक सिरा छोटा होता है। जो सिरा छोटा होता है उसमें से ध्वनि भेजी जाती है, प्रवेश करवाई जाती है, और जो सिरा बड़ा होता है वह दूर तक उस ध्वनि को भेज देता है। उस मेगाफोन के अंदर क्या हो रहा है, उस मेगाफोन के अंदर जो ध्वनि है उसका बार बार परावर्तन हो रहा है। यहां टकराई फिर परावर्तित होकर चली गई। तो अब इस ध्वनि की जो रीच होगी अर्थात पहुंच होगी, ये देखिए वो दूर तक जाएगी और दूर बैठे हुए लोगों को भी जो ध्वनि है वह सुनाई पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ध्वनि परावर्तन का उपयोग मेगाफोन में होता है। इसी प्रकार से ध्वनि परावर्तन का उपयोग कहां पर होता है, देखिए हॉर्न के अंदर होता है। हॉर्न तो आपने देखा ही होगा, बहुत सारे जो सामान बेचने वाले होते हैं, खासकर आइसक्रीम बेचने वाले जो आते हैं गर्मियों में, वो अपने पास क्या रखते हैं, हॉर्न रखते हैं। हॉर्न, और उनका हॉर्न जो होता है किस टाइप का होता है, देखिए इस टाइप का होता है उनका जो हॉर्न होता है, ये देखिए इस टाइप से रहेगा यू, और ये देखिए इस प्रकार से होगा यू करके, और यहां पर क्या लगा होता है, यहां पर एक बड़ा सा रबड़ का बैलून जैसी जो गुब्बारा टाइप है वह लगा होगा। तो इस हॉर्न के अंदर क्या करते हैं, इसको जब हम रबड़ के इस गोले को दबाते हैं तो इसके अंदर जो हवा होती है वह जाती है, अर्थात ध्वनि पैदा होती है, और वह ध्वनि पैदा होकर के बार बार टकराती है इस तरीके से, इस तल से टकराएगी और टकरा करके वह ध्वनि जो है फिर क्या हो जाएगी, दूर तक चली जाएगी। और मेगा फोन की तरह हॉर्न के अंदर भी आपको ध्वनि का परावर्तन देखने को मिल जाएगा। ऐसे बहुत से और भी यंत्र हैं जिनमें ध्वनि परावर्तन का उपयोग होता है, जैसे शहनाई तो आपने देखी होगी, शहनाई को जब बजाते हैं तो जो बजाने वाला है इधर से हवा उसमें फूंकता है और उधर वही हवा ध्वनि बनती है अंदर जाके, और अंदर ध्वनि बनने के बाद में वह बार बार परावर्तित होकर के फिर बाहर निकलती है, कुछ ध्वनि सीधे निकल जाती है। तो शहनाई में भी इसी प्रकार से होता है। आपने शादी में बजने वाला बाजा तो देखा ही होगा, बाजे के अंदर भी क्या होता है, देखिए जो बाजा उसमें जब बजाने वाला फूंक मारता है अंदर जाके ध्वनि पैदा होती है, वह ध्वनि जो सीधे निकलनी है वो सीधे निकलती है, बाकी परावर्तित होकर के सीधे आती है। तो ऐसे हमारे पास बहुत से यंत्र है जहां पर ध्वनि परावर्तन का उपयोग होता है। अब हम चलते हैं दूसरे इसके उपयोग पर, ध्वनि परावर्तन का उपयोग स्टेथोस्कोप में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है, स्टेथोस्कोप, और यह जो स्टेथोस्कोप है आप सभी ने देखा हुआ है। क्या होता है स्टेथोस्कोप, जब हम बीमार पड़ जाते हैं या आप किसी बीमार के साथ यदि अस्पताल गए हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो डॉक्टर क्या करता है, एक यंत्र रखता है अपने पास, उस यंत्र को वह कान में लगाएगा एक सिरा, और दूसरा सिरा क्या करेगा, चेस्ट पे लगाएगा, इस तरह से बार बार लगा करके उसको चेक करेगा, और या पीठ पर लगा करके चेक करेगा। तो वह जो यंत्र है जो डॉक्टर इस्तेमाल कर रहा है धड़कन को सुनने के लिए, किसकी धड़कन, मरीज की धड़कन को सुनने के लिए जो यंत्र उपयोग कर रहा है वह यंत्र क्या है, स्टेथोस्कोप है। अर्थात स्टेथोस्कोप को अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार का होता है, देखिए स्टेथोस्कोप में क्या होगा, स्टेथोस्कोप वह यंत्र होता है जो डॉक्टर लोग ध्वनि को सुनने के लिए, ध्वनि कौन सी, जो हमारे अंदर हृदय की ध्वनि है उसको सुनने के लिए
उपयोग करते हैं। ये देखिए इस प्रकार का रहेगा स्टेथोस्कोप, और ये एक रबड़ की पाइप लगी हुई है इसमें, और लास्ट में यहां पर एक चेस्ट पीस जिसको कहते हैं हम, गोल सी आकृति नजर आएगी आपको लास्ट में, ये देखिए यहां पर। तो अगर हम इस स्टेथोस्कोप को देखें, स्टेथोस्कोप वही जो डॉक्टर अपने गले में डाल के रखता है और हमको कहेगा कि आप सीधे बैठिए, और अपना जो गले से डाला हुआ यंत्र है वह निकालेगा, कान में लगाएगा, लगाने के बाद उसके एक हिस्से को क्या करेगा, हमारे चेस्ट पे रख के चेक करेगा, या हमारे पीठ पे रख के चेक करेगा, या हमारे यहां पर हाथ पे रख के चेक करेगा। तो वह जो होता है, वह जो पार्ट है जिसको वह चेस्ट पे रखता है, उसको बोलते हैं हम चेस्ट पीस, चेस्ट पीस बोलते हैं उसको। ये जो हम छाती के ऊपर रख के अपनी धड़कन चेक करवाते हैं वह वाला हिस्सा है। दूसरा यहां पर क्या है, ये रबड़ की पाइप है, रबड़ पाइप जो अंदर से खोखली है, खाली है अंदर से। और तीसरा जो हमारे पास पार्ट है इसका, वह है ईयर पीस, ईयर पीस अर्थात कान में लगाने वाला भाग। तो जो स्टेथोस्कोप होता है वह ऐसा यंत्र होता है जो हमारे शरीर के अंदर की ध्वनि अर्थात धड़कन को सुनने में सहायता करता है। किस प्रकार करता है और इसमें ध्वनि परावर्तन का उपयोग कहां हो रहा है वह देखते हैं, आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेगा डॉक्टर, ये जो यहां पर हमारे पास ये वाला जो चेस्ट पीस है जो स्टील का बना होता है उसको वह हमारी छाती के ऊपर रखेगा। अब हमारी छाती के ऊपर जब रखेगा या पीठ पे रखेगा या बाजू पे रखेगा, तो हमारे नसों के अंदर जो रक्त का प्रवाह हो रहा है या हमारे जो हृदय धड़क रहा है वह एक ध्वनि पैदा कर रहा है। उस ध्वनि को ये जो चेस्ट पीस है ये उसको क्या करेगा, ग्रहण करेगा। यहां पर वह ध्वनि ग्रहण हो गई है। अब वह ग्रहण होने के बाद अर्थात एब्जॉर्ब होने के बाद वह ध्वनि जाएगी इस तरीके से कहीं, इससे टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, यहां पर परावर्तित हो जाएगी। ये देखिए ये ध्वनि गई, यहां पर फिर परावर्तन हो गया, फिर इधर गई, फिर इधर गई, इस तरीके से जो ध्वनि इसके अंदर जा रही है वह बार 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 परावर्तित होती चली जाएगी इस तरीके से। और वह ध्वनि जब उसके पाइप के अंदर बार बार परावर्तित हो रही है तो वह लगातार टकराते टकराते कहां पहुंच जाएगी, ईयर पीस तक पहुंच जाएगी। और ईयर पीस के अंदर जो ईयर बड लगी हुई है, ये वाली जो कान में लगा रखी है, वहां तक पहुंच जाएगी। और डॉक्टर उस धड़कन को या उस ध्वनि को सुनेगा और अंदाजा लगाएगा कि इसकी ध्वनि अर्थात धड़कन एबनॉर्मल तो नहीं है, तेज तो नहीं चल रही है, ये बहुत धीमे तो नहीं चल रही है। अगर ऐसा है तो हमें बीमार डिक्लेयर करेगा, दवाई देगा। और अगर वो सही चल रही है समय के हिसाब से तो हमें कहेगा कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो यह कहलाता है स्टेथोस्कोप। इस स्टेथोस्कोप में भी आपने देखा बार बार ध्वनि का परावर्तन हुआ है, तो ध्वनि के परावर्तन का उपयोग स्टेथोस्कोप के अंदर भी करते हैं। आइए और देखते हैं कि ध्वनि के परावर्तन का उपयोग कहां पर है। देखिए ध्वनि के परावर्तन का उपयोग कंसर्ट हॉल की छत जो होती है उनको वक्राकार इसीलिए बनाया जाता है ताकि ध्वनि का परावर्तन हो सके। तो कंसर्ट हॉल की छत, कंसर्ट हॉल की छत या दीवार, यह दीवार को वक्राकार बनाने में भी ध्वनि का परावर्तन होता है। ध्वनि परावर्तन का उपयोग किसी भी कमरे की, हॉल की, कंसर्ट हॉल है, सिनेमा घर है, उनकी जो छत होगी या दीवार होती है उसको हम वक्राकार बना देते हैं। वक्राकार का मतलब वक्र की तरह गोल बना दी जाती है। उससे क्या होता है, उससे ध्वनि का परावर्तन ज्यादा होता है और उसमें बैठे हुए सभी ऑडियंस तक, सभी दर्शकों तक, सभी श्रोताओं तक आवाज अर्थात ध्वनि पहुंच जाती है। देखिए मैं यहां पर आपको इस चित्र के द्वारा समझाना चाहूंगा। ये मेरे पास यहां पर क्या है, एक कंसर्ट हॉल या सिनेमा घर या कोई बड़ा कमरा है। क्या करते हैं, यहां पर जो वक्ता है वह क्या कर रहा है, यहां पर वक्ता अपना भाषण दे रहा है।
जब ये वक्ता भाषण दे रहा है तो इसकी ध्वनि क्या होगी, जो बैठे हैं सामने ऑडियंस यहां पर बैठे हुए हैं, ये ऑडियंस बैठे हुए हैं सारे, बहुत सारे ऑडियंस यहां पर बैठे हुए हैं, तो उन तक वो ध्वनि जा रही है, लेकिन वह जो ध्वनि है उन ऑडियंस तक बहुत कम जा रही है। इसलिए क्योंकि ध्वनि का परावर्तन तो हो रहा है लेकिन वो सभी तक पहुंचे ऐसा जरूरी नहीं है। इसकी बहुत सारी जो ध्वनि है वो व्यर्थ जा रही है। वह व्यर्थ कैसे जा रही है, देखिए जो यहां पे टकराई है, ये देखिए यहां से जो ध्वनि गई है, ऐसे जो छत से टकरा गई है वह इधर चली गई, बेकार चली गई। जो ध्वनि यहां पर इसने पैदा की वो छत से टकरा के उधर परावर्तित होकर चली गई, उधर से इधर परावर्तित, इधर परावर्तित, तो ऐसे ही वो परावर्तित बेकार ही चली गई, यहां श्रोताओं के कान तक नहीं पहुंची है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर छत पे जो ध्वनि जा रही है, जो बेकार जा रही है, उसका भी यहां पर हम उपयोग करें और उस ध्वनि को भी श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं। वह कैसे, वह हम इस छत को यदि वक्राकार बना दें, वक्राकार अर्थात इस प्रकार से, देखिए ये हो गया है वक्राकार छत, ये देखिए ये है वक्राकार छत। अब क्या होगा, इस वक्र का जो फोकस होगा, अर्थात जहां पर यहां से आने वाली सभी किरणें यहां पर एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाएगी, वहां पर बोलने वाले को खड़ा कर दिया जाएगा, अर्थात ध्वनि पैदा की जाएगी। तो अब जो ध्वनि यहां से जा रही है वह क्या होगी, वह देखिए इस प्रकार से सारे उन श्रोताओं तक पहुंच जाएगी, क्योंकि अब ये जो तल है वक्र बन गया है। अब ये तल इधर से जाके उधर प्रकाश को नहीं भेजेगा बल्कि एक कोण के ऊपर दर्शकों तक भेजेगा। तो जो हमारी ध्वनि यहां पर बेकार जा रही थी परावर्तन होने के बाद, अब वह ध्वनि हमारी उपयोग हो रही है, श्रोताओं तक पहुंच रही है और श्रोता उसको सुनेंगे और उसका लाभ उस बोलने वाले को होगा। इसी प्रकार से ये तो था कंसर्ट हॉल की छत या सिनेमा घर की छत या बड़े हॉल की छत वक्राकार बना दी जाए, तो वहां पर भी देखिए ध्वनि का परावर्तन हो रहा है। तो इस छत को वक्राकार बनाने में भी होता है, छत के साथ साथ दीवार को भी हम वक्राकार बना सकते हैं। वह देखिए कैसे, यहां से जो ध्वनि है इसकी सारी इधर ही नहीं गई बल्कि कुछ ध्वनि पीछे भी आई है, अब वो पीछे जो ध्वनि आई है वह टकरा करके कहां चली जाएगी, इधर उधर फैल जाएगी। तो हम जो पीछे की दीवार है, ये वाली जो दीवार है, इसको भी हम यहाँ पर क्या कर दें, वक्राकार कर दें। ये देखिए वक्राकार हो गई है यहाँ पर भी, तो जो ध्वनि आएगी यहाँ से वह भी क्या हो जाएगी, इस एक कोण पे आएगी टकरा करके और सामने दर्शकों तक पहुंच जाएगी, और सारी के सारे जो दीवार पीछे वाली दीवार है उससे भी ध्वनि टकरा करके आगे दर्शकों तक पहुंच गई, श्रोताओं तक पहुंच गई, और जो छत पे जा रही थी वह भी श्रोताओं तक पहुंच गई। तो जो बोलने वाला है उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी और अधिक से अधिक मात्रा में यदि हम इसको वक्राकार कर देते दीवार को या छत को, तो ध्वनि श्रोताओं तक पहुंचती है, अधिक मात्रा में पहुंचती है, स्पष्ट पहुंचती है, ज्यादा सुनाई देगी। तो यहां पर इन छतों को और दीवारों को वक्राकार बनाने में हम जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं ध्वनि परावर्तन के उपयोग को ध्यान में रखते हैं, तो यहां पर भी ध्वनि परावर्तन का उपयोग होता है। तो ये थे ध्वनि परावर्तन के उपयोग होने वाले कुछ यंत्र और कुछ ऐसे स्थान। आइए अब हम चलते हैं अपने आज के तीसरे टॉपिक की ओर। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है श्रव्यता का परिचय, अर्थात रेंज ऑफ हियरिंग। देखिए ध्वनि श्रव्यता का अर्थात होता है सुनना, ध्वनि का सुनना, ध्वनि जो है हमें सुनने की संवेदना प्रदान करती है। तो जो ध्वनि है यदि हम उसके श्रव्यता को देखते हैं, सुनने की क्षमता को देखते हैं, तो मनुष्य के अंदर जो ध्वनि की पूरी रेंज है वह सुनाई नहीं पड़ती बल्कि उसका एक हिस्सा हमें सुनाई पड़ता है। ध्वनि को हमने पढ़ा कि ध्वनि जो होती है वो अनुधैर्य तरंगें होती है, अनुधैर्य तरंगें, और अनुधैर्य तरंगें जो होती है, तरंगों में हमने पढ़ा कि जो तरंग होती है इस प्रकार से चलती है और उनके अंदर क्या होती है, उनके अंदर वेवलेंथ अर्थात तरंग धैर्य होती है, तरंग धैर्य होती है। तरंग धैर्य कौन सी, एक वेव जहां से शुरू कर रही है और जहां पर जाकर के उसका रिपीटेशन शुरू होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। यहां से लेकर के और यहां तक की जो दूरी है एक वेव की, एक तरंग की, वह कहलाती है वेवलेंथ अर्थात तरंग धैर्य। तो ये जो तरंग धैर्य है
इस तरंग दैर्ध्य के हिसाब से, और या फिर हम इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अर्थात आवृत्ति के हिसाब से। किसके हिसाब से? आवृत्ति। आवृत्ति को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी हम इसको अध्ययन कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कि एक सेकंड में कितनी तरंगें पैदा हो रही है वह उस ध्वनि की फ्रीक्वेंसी कहलाती है, उस तरंग की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है अर्थात आवृत्ति कितनी है? आवृत्ति के अनुसार ध्वनि को तीन भागों में बांटा गया है। तीन कौन कौन से भाग हैं? देखते हैं हम यहां पर। नंबर एक भाग, आवृत्ति के अनुसार ध्वनि को तीन भागों में बांटा गया है। एक ध्वनि कहलाती है अवश्रव्य ध्वनि, अवश्रव्य ध्वनि कहलाएगी, जिसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक वेव्स या इंफ्रासोनिक साउंड कह दें। यह वह वेव्स या साउंड होगी, ध्वनि होगी जिसकी आवृत्ति 20 हर्ज से कम होगी। याद रखिए कितनी होगी? 20 हर्ज से कम क्या होगी? आवृत्ति। यह वह ध्वनि होती है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ज से कम होती है, उस ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इस ध्वनि को हम नहीं सुन सकते, हमें अवश्रव्य ध्वनि को सुनने की क्षमता नहीं होती। अब आप उदाहरण पूछना चाहेंगे कि अवश्रव्य ध्वनि ऐसी कौन सी है जो हम नहीं सुन सकते। देखिए अवश्रव्य ध्वनि के कुछ उदाहरण। नंबर एक, अवश्रव्य ध्वनि कहां पैदा होती है? यदि हम एक सरल गोलक ले लें, ये देखिए मैंने एक बॉल लिया, बॉल को लेकर के मैंने धागे से लटका दिया, उसको मैंने एक टंग से बांध दिया, बांधने के बाद मैं इसको ऊपर ले गया, यहां पर ले जाने के बाद इसको छोड़ दूंगा, वापिस आएगा, फिर इधर जाएगा ये, यहां पर फिर वापिस आएगा, तो ये इस प्रकार लगातार यूं चलता रहेगा। इस सरल गोलक में क्या होगा? इसको हम अंग्रेजी में पेंडुलम कहते हैं। क्या होगा? ये इधर से इधर गति करेगा, ये गति करते समय भी ध्वनि पैदा कर रहा है, वह ध्वनि हमें नहीं सुनाई पड़ती। अगर हम इसकी ध्वनि को इधर उधर चलने की ध्वनि को सुनना भी चाहें तो भी नहीं सुनाई पड़ती, कारण वह अवश्रव्य ध्वनि है अर्थात उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, जो हमारे कानों के अंदर सुनने की संवेदना नहीं देगी। तो हम इसको कह सकते हैं सरल गोलक की गति की ध्वनि, गति की ध्वनि वह हमें नहीं सुनाई पड़ती, वह क्या है? अवश्रव्य ध्वनि है, 20 हर्ट्ज से कम है। इसी प्रकार से और भी हो सकते हैं, भूकंप के समय जो जो भूकंप आता है उस समय भी क्या होता है? ध्वनि पैदा होती है। जब पृथ्वी हिलती है तो एक ध्वनि पैदा होती है, उस ध्वनि को हम नहीं सुन सकते। तो भूकंप के समय की ध्वनि, जो भूकंप पैदा हो रहा है उस समय जो ध्वनि बनेगी वह हमें सुनाई नहीं पड़ती, कारण हम अवश्रव्य ध्वनि को नहीं सुन सकते। बल्कि कुछ पक्षी जैसे मोर ये सुन सकते हैं, गैंडा है वह भी सुन सकता है। गैंडा जब आपस में बात करता है, गैंडा रिनोसेरस कहते हैं जिसको, जिसके सींग होता है वह गैंडा, गैंडे द्वारा पैदा की गई ध्वनि, गैंडा द्वारा पैदा की गई ध्वनि वह भी कैसी होती है? अवसर पैदा की ध्वनि, पैदा की गई ध्वनि जो गैंडा होगा रिनोसेरस वह भी जो ध्वनि पैदा करता है, हाथी भी ध्वनि पैदा करते हैं, आपस में जो उनकी ध्वनि है वो हम नहीं सुन सकते, लेकिन उनकी ध्वनि को वो आपस में सुनते हैं और इशारा समझते हैं। तो उनके द्वारा जो पैदा की गई है, चाहे गैंडा हो चाहे हम यहां पर हाथी भी बोल सकते हैं, हाथी भी इसी प्रकार की ध्वनि पैदा करते हैं,
इनके द्वारा जो ध्वनि पैदा की जाती है वह अवश्रव्य ध्वनि होती है। उनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम अर्थात उनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है तो वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो अवश्रव्य ध्वनि कहलाती है। आइए देखते हैं दूसरा हमारा जो परिसर है वह क्या है। वह है श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि यह कौन सी ध्वनि होती है? यह वह ध्वनि होती है जिसको हम सुन सकते हैं। ऑडिबल साउंड अगर हम इसको अंग्रेजी में पढ़ें तो ऑडिबल साउंड वह ध्वनि जिसको सुना जा सकता है। जिसको सुना जा सकता है उसका परिसर क्या होगा? देखिए उस ध्वनि की जो आवृत्ति होगी अर्थात फ्रीक्वेंसी होगी कितनी होगी? वह होगी 20 हर्ट्ज से लेकर और 20,000 हर्ट्ज तक। याद रखिए आप एक नंबर के प्रश्न में भी पूछा जाता है श्रव्य ध्वनि का परास कितना होता है तो श्रव्य ध्वनि जो मनुष्य सुन सकता है हम सुन सकते हैं श्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति का परास होता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। अगर ध्वनि इस हर्ट्ज की अर्थात आवृत्ति के बीच की है तो हमें सुनाई पड़ जाएगी राइट। मनुष्य और बहुत से जानवर भी इसी के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास तीसरा ध्वनि का परास रहेगा वह रहेगा पराध्वनि। क्या बोलेंगे उसको? पराध्वनि। और इस पराध्वनि को अंग्रेजी में कहते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड आपने नाम सुना होगा अल्ट्रासाउंड। जब कभी हमारे पेट में दर्द हो जाता है या हमारे हड्डी टूट जाती है हाथ की पैर की डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर क्या करता है? अल्ट्रासाउंड करता है। वही जो अल्ट्रासाउंड है क्या कहलाती है? पराध्वनि। और इस ध्वनि का जो परास होता है वह देखिए कितना होता है? वह होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक रहेगा किसका? अल्ट्रासाउंड अर्थात पराध्वनि का परास 20,000 हर्ट्ज से अधिक अर्थात हमारी सुनने की रेंज से बाहर हम नहीं सुन सकेंगे इसको। तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि जो है वह पराध्वनि होती है। पराध्वनि के बहुत सारे उपयोग हैं जो आने वाले वीडियो में आप देखेंगे। श्रव्यता का परिसर जो होता है उसके हिसाब से हमने ध्वनि को तीन भागों में बांटा हुआ है। अवश्रव्य ध्वनि वह ध्वनि जिसका परास 20 हर्ट्ज से कम होता है इसे हम नहीं सुन सकते। दूसरी ध्वनि श्रव्य ध्वनि होगी अर्थात ऑडिबल साउंड जिसको हम सुन सकते हैं और पैदा कर सकते हैं। जबकि तीसरी जो हमारी ध्वनि का परिसर रहेगा वह रहेगा पराध्वनि अर्थात अल्ट्रासाउंड जिसकी श्रव्यता का जो परास है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा अर्थात जिसकी आवृत्ति है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा अनुरणन क्या होता है, अनुरणन को कैसे कम किया जा सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, ध्वनि परावर्तन के उपयोग कहाँ कहाँ है। और तीसरा हमारा जो आज का टॉपिक था वो था श्रव्यता का परास। आशा है आज के जो टॉपिक है आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार की कोई सहायता अगर आपको इन टॉपिक्स पर चाहिए तो आप अपने अध्यापक से संपर्क करिए और अपने समस्याओं का निदान करिए।